हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे लेसन नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, उसका पार्ट 4। लास्ट मेरे 3 वीडियोस में आपने इसका पार्ट देखा था। ठीक है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। लास्ट मेरे 3rd वीडियो में आपने देखा था एंगल ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग ऑफ रोड, और आज उसको ही थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो जो 3 इक्वेशंस है, सेफ्टी स्पीड का, लोअर स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। एंड उसके ऊपर जो एग्जांपल दिया है पीडीएफ में, वो भी देखेंगे क्या एग्जांपल है, तो बुक में कई एग्जांपल लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, पहले तो रिवाइज करेंगे व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द सेफ्टी स्पीड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, बट पहले जो तीनों फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज करते हैं। पहले सेफ्टी स्पीड का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। क्या है सेफ्टी स्पीड? तो इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ओके, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्क्यूलर ट्रैक, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। दिस इज इक्वेशन फॉर द सेफ्टी स्पीड। ठीक है, नाउ वी सी, दिस इज द अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी सी द वॉट इज द इक्वेशन फॉर द लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट का इक्वेशन क्या है? इसको रिवाइज कर रहे हैं आप भी मेरे साथ साथ, आपके बुक में ये लिखी है, यानी आपका भी यानी लर्न हो जाएगा और रिवीजन भी होगी। ठीक है, लोअर स्पीड लिमिट का इक्वेशन क्या है वो देखेंगे पहले। तो इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन वी मिनिमम इज इक्वल टू, लोअर है इसलिए वी मिनिमम इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ ये बोल के लिखना, आर जी अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टैन थीटा। ओके, ये मेरे साथ ही आप लर्न करते करते, यानी बोलते बोलते लिखो, यानी लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द लोअर स्पीड लिमिट। अब 3rd लिखेंगे व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर अपर स्पीड लिमिट। अपर स्पीड लिमिट इसका इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, इसका इक्वेशन देखा है लास्ट मेरे वीडियो में, तो इट इज़ डिनोटेड बाय अपर है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय वी मैक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम इक्वेशन ही लिखना है, सिर्फ जो साइन है वो चेंज होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसे करना है। तो सेम इक्वेशन मैं लिख रही हूँ, आर जी अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट टैन थीटा। अब मिनिमम में माइनस म्यू एस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय, नीचे है वन प्लस म्यू एस टैन थीटा, तो वन प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन माइनस म्यू एस टैन थीटा। ओके, तो इसको ऐसे याद कैसे रखना है, इसके लिए आइडिया बताती हूँ। अब वी मिनिमम है, तो ऊपर के वी मिनिमम में ऊपर वाली साइन माइनस चाहिए, नीचे वाली प्लस चाहिए, और मैक्सिमम है तो ऊपर वाली प्लस और नीचे वाली माइनस। एक इक्वेशन वी मिनिमम का आपका आपने लर्न कर लिया, तो उसके अपोजिट साइन डाल के आपको वी मैक्स का इक्वेशन लिखना है, यानी लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आएगा क्या, ये दीज आर द 3 वेरी मच इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस विच आर यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दिख रहा है, तो यही एग्जांपल अभी सॉल्व करना है बेस ऑन दिस फॉर्मूलीज। ठीक है, तो पहले मैं रीड करती हूँ क्या एग्जांपल है, देखिए आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो उसको। तो क्या है, रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर इज बैंक एट टैन इनवर्स ऑफ 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड द टायर्स ऑफ अ व्हीकल इज 0.2। डिटरमाइन स्पीड लिमिट्स विथ 10% मार्जिन। ओके, तो पहले अभी लिखते लिखते गिवन लिख लेंगे, पहले फिर से मैं इसको एग्जांपल को रीड करती हूँ एक एक लाइन। अ रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर,
तो ये क्या है, एक रेसिंग ट्रैक बताया गया है और उसका रेडियस दी गई है, ये 9.9 मीटर यानी क्या है, दिस इज़ द रेडियस ऑफ रेसिंग ट्रैक, इट इज़ गिवन बाय आर इज इक्वल टू 9.9 मीटर, ओके, इज बैंक एट टेन इनवर्स ऑफ 0.5। ठीक है, तो बैंक कितने एंगल से किया है, ये यानी ये है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 0.5। सो टेन, ये अगर टेन इनवर्स यहाँ पे गया तो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो उसके बाद में आगे का पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड द टायर्स ऑफ अ व्हीकल इज 0.2। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू एस इज इक्वल टू कितना दिया है, इट इज़ 0.2। तो क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट्स विथ 10% मार्जिन। तो 10% मार्जिन से स्पीड लिमिट को डिटरमाइन करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट को डिटरमाइन करना है विथ 10% ऑफ मार्जिन, विथ 10% ऑफ मार्जिन। ठीक है, इसको डिटरमाइन करना है, ओके, तो समझ में आया, प्रॉब्लम को समझ लो, समझ में आया। उसके बाद में अब यह इसमें क्या क्या करना है, फर्स्ट स्पीड लिमिट के लिए लोअर स्पीड लिमिट और मैक्सिमम अपर स्पीड लिमिट, ये आपने दो फॉर्मूले आपको मालूम है, तो दोनों भी ये डिटरमाइन करना है, लोअर स्पीड लिमिट भी निकालनी है, फिर उसकी 10% मार्जिन, लोअर यानी 10% हायर देन निकालना है उसके ऊपर से, फिर अपर स्पीड लिमिट निकालनी है, फिर उसके ऊपर से अपर स्पीड लिमिट से 10% लोअर देन निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या करना है, पहले वी मिनिमम निकालेंगे, ओके, वी मिनिमम निकालेंगे फर्स्ट, सेकंड क्या निकालेंगे, उसका 10% हायर मार्जिन निकालेंगे, 10% हायर जो वैल्यू आएगी उसकी 10% हायर दैट वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद में थर्ड क्या करेंगे, वी मैक्स निकालना है, ओके, क्या निकालना है, वी मैक्स, और फोर्थ क्या करना है, तो 10% ऑफ वी मैक्स निकालने के बाद में 10% लोअर देन इट्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें अपने को आज फाइंड आउट करनी है पहले। ठीक है, तो स्पीड लिमिट इज इक्वल टू दी है 10% है, तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वी मिनिमम, वी मिनिमम की वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट, अभी आपने लर्न किया है, सबको आना चाहिए ये, आर अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट टेन थीटा, सबने ऐसा बोल के लिखना है यानी लर्न जल्दी हो जाता है। ठीक है, टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, ओके, ये अपना इक्वेशन है, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, अंडर रूट ऑफ आर जी की वैल्यू, आर की वैल्यू है 9.9, जी लेना है 10, जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर लेंगे, और उसके बाद में टेन थीटा की वैल्यू है 0.5, ठीक है, गिवन है, म्यू एस की वैल्यू है 0.2, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, म्यू एस अगेन 0. कितना है, म्यू एस की वैल्यू 0.2 है, एंड 0.2 है एंड टेन थीटा इज़ 0.5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 9.9 × 10 इज इक्वल टू 99, ठीक है, 99 हो गया, इंटू ब्रैकेट दिस इज 0.3, सब्ट्रैक्शन 0.3, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आ गया 0.1, ओके, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 99, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 99 × 0.277। तो आंसर इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है अंडर रूट ऑफ 77, ठीक है, सॉरी अंडर रूट ऑफ 27 मिलेगा, 77 नहीं 27 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू आती है 27 यानी 5 का स्क्वायर 25 आता है, तो 5 point something यानी 5.196 मीटर पर सेकंड, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वी मिनिमम, ओके,
5.196 ये वैल्यू आ गई है मीन ये वी मिनिमम की। अब इससे ही निकालेंगे, अब नेक्स्ट अपनी स्टेप है 10% हाइयर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वी मिनिमम आपको मिल गया है तो अलाउड वी मिनिमम शुड बी 10% हायर देन दिस, ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो नेक्स्ट निकालेंगे क्या है, अला वी मिनिमम की जो वैल्यू है उससे 10% हायर, यानी क्या आएगा फिर, अगर 100% है तो 10% हायर यानी 110। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ वी मिनिमम, वी मिनिमम शुड बी, शुड बी 10%, कितना 10% हायर देन, अब जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू क्या थी, 5.196 है ना, आप आपके पास में लिख रहे हो ना मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, हायर देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो वी मिनिमम 10% हायर वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो इट इज़ इक्वल टू 5.196 मल्टीप्लाइड बाय 110 अपॉन, परसेंट में दिया है इसलिए 110 अपॉन 100 इट इज़ इक्वल टू, आंसर आएगा आप इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 5.716 मीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेशन से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस की हैबिट आपको डालनी है, ये कैलकुलेशंस आपको करने हैं, और अगर फुल कैलकुलेशंस करेंगे तो अपने बाकी के टॉपिक्स रह जाएंगे, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करो और बाकी के कैलकुलेशंस आप करते जाओ, थोड़े बहुत तो मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपको निकालना है वी मैक्स। ठीक है, वी मैक्स में क्या करना है, वी मैक्स का फॉर्मूला पहले लिखिए, क्या है अभी लर्न किया था, अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट टैन थीटा, सबको अभी लर्न होना चाहिए, टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वन माइनस म्यू एस टैन थीटा। ओके, ये हो गया अपना वी मैक्स का फॉर्मूला। तो इसमें अभी सब्सटीट्यूट करना है, अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू थी 9.9, जी इट्स 10 इंटू ब्रैकेट टेन थीटा की वैल्यू थी 0.5 प्लस म्यू एस दिया था 0.2 अपॉन 1 माइनस म्यू एस दिया था 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको मिल गई है, ये सब्सटीट्यूशन हो गया है, तो क्या मिलता है आपको अंदर 99 इंटू ब्रैकेट 0.7, 0.5 प्लस 0.2 इज 0.7, 1 माइनस ये आएगा 0.1। ठीक है, ऐसा मिलता है, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 99 इंटू ब्रैकेट 0.7 अपॉन 0.9, 1.1 माइनस 0.1 इज 0.9, ये आपको मिल गया है। फिर इसको अगर सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 99 मल्टीप्लाइड बाय 0.78। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 77 यानी से 8 का स्क्वायर आता है 64, 9 का आता है 81, यानी 8 और 9 के बीच में अपनी वैल्यू आनी चाहिए, तो इट इज़ इक्वल टू 8.775 मीटर पर सेकंड। ओके, ये वैल्यू मिल जाती है वी मैक्स की। तो ये हो गए अपनी थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करना था कि वी मैक्स से लोअर 10% वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या अभी लिखेंगे, वी मैक्स शुड बी 10%, मैक्स शुड बी 10% लोअर दैन किससे, 8.775 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू से ये निकालनी है। अब लोअर यानी 10% लोअर, 100% अगर पकड़ते हो तो इट इज़ 90। ठीक है, तो वी गेट वी मैक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई है, 8.775
मल्टीप्लाइड बाय 90 अपॉन 100, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करते हो तो वी गेट वैल्यू 7.896 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, समझ में आया। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बैंकिंग ऑफ रोड का पूरा पार्ट एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम, सॉरी कोनिकल पेंडुलम का है। तो इसके लिए पहले पेंडुलम यानी क्या देखेंगे, आपने देखा ही है हर एक बहुत सारे वॉचेस क्लॉक में आपने पेंडुलम देखा है, तो वही पेंडुलम। और उसके बाद में सिंपल पेंडुलम यानी क्या है वो देखना है, और फिर कोनिकल पेंडुलम जो अपना टॉपिक है मेन कोनिकल पेंडुलम का, तो वो देखना है। तो फर्स्ट पहले तो देखेंगे पेंडुलम मीन्स क्या रहता है। तो पेंडुलम अगर बोला तो आपके आँखों के सामने आता है एक स्ट्रिंग और उसको एक लगा हुआ ये बॉल और गोला, और इसको ही क्या बोलेंगे, दिस इज अ स्ट्रिंग और दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉब, इसको क्या बोलना है, बॉब बोल सकते हो। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये कैसा रहता है, टाइनी मास, इट इज़ अ टाइनी मास कॉल्ड एज बॉब, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, कुछ भी बोल सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट और बॉब ये कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, बॉब भी बोल सकते हो और पॉइंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। दिस इज़ कनेक्टेड टू, ये जो स्ट्रिंग है ये कैसी होनी चाहिए, तो इट इज़ लॉन्ग होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग। और दूसरा कैसे होनी चाहिए, इट इज़ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। देन इट इज़ मासलेस, मासलेस भी होना चाहिए, मासलेस, ठीक है। और कैसी होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल बढ़ने वाली, इनएक्सटेंसिबल न बढ़ने वाली, ऐसी ये चाहिए, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड इट इज़ सस्पेंडेड, कहाँ पे ये कहाँ से सस्पेंड है, तो फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, ये क्या है, दिस इज़ नोन एज रिजिड सपोर्ट, ओके, समझ में आया। दिस इज़ कॉल्ड एज पेंडुलम, इसको क्या बोलेंगे, सिंपली पेंडुलम, ओके, ये समझ में आया। फिर पेंडुलम यानी क्या है, देखो फिर से मैं बोलती हूँ, अ टाइनी मास, ठीक है, दिस इज़ टाइनी मास, इट इज़ टाइनी मास, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड एज बॉब, ठीक है, टाइनी मास, इट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट और इट इज़ कॉल्ड एज बॉब, ठीक है। कनेक्टेड टू अ लॉन्ग मासलेस फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, किसको कनेक्ट किया है, लॉन्ग मासलेस फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एंड इट इज़ सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, इज कॉल्ड पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम समझ में आया, तो क्या है, अ टाइनी मास विच इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट और बॉब, ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ लॉन्ग मासलेस फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट, इट इज़ कॉल्ड एज पेंडुलम, ठीक है। अब ये हो गया पेंडुलम का, पेंडुलम यानी क्या, अब व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम यानी क्या, ये देखना है अभी। तो क्या है, अब ये स्ट्रिंग को अगर सपोज़ यही सब मैं फिर से यहाँ पे निकालती हूँ, अब इफ़ दिस स्ट्रिंग इज़ मेड टू ऑसिलेट, अगर इसको ऑसिलेट करना शुरू कर दिया तो, और ऑसिलेट कैसे करना है, इन अ सिंगल वर्टिकल प्लेन, ठीक है, यानी कैसा, तो देखो मैं यहाँ पे निकालती हूँ पूरी डायग्राम। सपोज़ दिस इज़ बी पोजिशन, दिस इज़ ए पोजिशन एंड दिस इज़ ओ पोजिशन, तो कैसा मूव करेगा वो, प्लग किया स्ट्रिंग को यहाँ तक, तो पहले जाएगा ओ टू बी, फिर आएगा वापस बी टू ओ, अगेन इट गोज़ टू ओ टू ए,
और अगेन इट कम्स टू ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज ए टू ओ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो मोशन हो रहा है ये कौन सा मोशन है, इट इज़ टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, इट इज़ नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो और कैसा मूव हो रहा है, इन अ वर्टिकल, सिंगल वर्टिकल प्लेन। ठीक है, सिंगल वर्टिकल प्लेन से ये मूव हो रहा है, प्लेन में ये मूव हो रहा है, तो इट इज़ नोन एज, ये सिस्टम को क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। इस सिस्टम को बोलेंगे सिंपल पेंडुलम। तो इतना ही नहीं है, सिंपल पेंडुलम यानी पहले का पेंडुलम का पूरा ही बोलना है, और उसके बाद में ये कि इफ ए स्ट्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट इन अ सिंगल वर्टिकल प्लेन देन इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो फिर से सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन बोलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जो है ए टाइनी मास, इट इज़ कॉल्ड एज बॉब और पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज़ सस्पेंडेड पॉइंट, ये समझ में आया ना कैसा है, ये टाइनी मास है। ठीक है, टाइनी मास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन में, पहले पेंडुलम से ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। अ टाइनी मास, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट और कॉल्ड एज बॉब। ठीक है, बॉब, देन इट इज़ कनेक्टेड टू अ लॉन्ग मासलेस फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू अ रिजिड सपोर्ट इज कॉल्ड एज पेंडुलम। ठीक है, इफ द स्ट्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट इन अ वर्टिकल प्लेन, कैसा ऑसिलेट हो रहा है, इन ए वर्टिकल प्लेन, देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन समझ में आई, तो ये बेसिक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। और आपको ये इसलिए समझना है क्योंकि इसके ऊपर ही अभी कोनिकल पेंडुलम, इसके बाद देखेंगे कोनिकल पेंडुलम यानी क्या। ठीक है, तो ये समझ में आया, तो उसके बाद में अब देखते हैं कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, क्या है कोनिकल पेंडुलम, तो अब मैं कोनिकल पेंडुलम रफली निकालती हूँ। देखो आप, ये छोटे बच्चे ये खेल भी खेलते हैं, आप भी आज करके देखना। क्या करना है, सिंपली एक स्ट्रिंग लो और उस स्ट्रिंग से आप क्या करना है, ये यहाँ पे पकड़ो। ठीक है, और ये स्ट्रिंग को एक एंड में क्या आपको लगाना है, एक आधा स्टोन, एक आधी कुछ छोटा सा ऑब्जेक्ट लगाना है, और यहाँ से उसको, ये जो ऊपर का पॉइंट आपको रेड पॉइंट दिख रहा है, तो ये पॉइंट से आपको क्या करना है, उसको ऑसिलेट करना है, रिवॉल्व, सॉरी ऑसिलेट नहीं, उसको रिवॉल्व करना है, रिवॉल्व करना है। तो आपको दिखेगा कि ये जो स्ट्रिंग जो है, तो इट इज़ अ, इट परफॉर्म्स और इट फॉर्म्स अ सर्कुलर कोन तैयार करेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है, अब सर्कुलर कोन कैसा तैयार करेगा, अब ये स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसा मूव होगा, और मूव कैसा होगा, इट परफॉर्म्स द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ये कैसा मूव होगा, ये इस प्रकार से मूव होगा। ठीक है, तो इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एंड जो स्ट्रिंग है वो क्या कैसा मूव करेंगी, अलॉन्ग द सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आपको कोन जैसा दिखाई दे रहा है ना डायग्राम में, यही जैसे आइसक्रीम का अपना कोन रहता है, तो वही उल्टा करके लगाया है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ ये मैं निकाल देती हूँ, यानी आपको ये कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यही सेम है, तो दिस इज़ नोन एज, ये जो है दिस इज़ नोन एज वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ सर्कुलर, ये जो है सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, और आर इज़ द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो समझ में आया, तो इसको ही, यही सिस्टम को बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो क्या बोलेंगे, देखो अब ये स्ट्रिंग को कैसे रिवॉल्व करना है, तो ऐसे रिवॉल्व करना है सो दैट द स्ट्रिंग मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कैसा मूव करेगी स्ट्रिंग, राइट सर्कुलर कोन,
जैसा को तैयार करेगी, ठीक है, ऑफ सेमी ऑफ वर्टिकल एक्सिस, ये है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इट परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करेगा, परफॉर्म्स हॉरिजेंटल सर्क्यूलर मोशन। आपको ये हॉरिजेंटल ऊपर से आप यहाँ से देखोगे तो ये सर्कल ही दिखाई देगा, अब डायग्राम में आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इट परफॉर्म्स हॉरिजेंटल सर, कैसा ये हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो ये सिस्टम को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन समझ में आई क्या, तो अब मैं इसको लिखती हूँ और आपको मेरे साथ भी आप लिख सकते हो और लिखते लिखते बोलना है, यानी आपकी भी ये डेफिनेशन लर्न हो जाए, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन, इफ द स्ट्रिंग इज रिवॉल्व इन सच ए वे दैट, ऐसे मेरे जैसा ही बोल बोल के लिखना है तभी आपका लर्न होगा, इन सच ए वे दैट द स्ट्रिंग मूव्स along the surface of a right circular cone, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ वर्टिकल एक्सिस एंड द पॉइंट ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स अ यूनिफॉर्म बोला है, देखो ये याद रखना है, यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल सर्क्यूलर मोशन, ये इम्पोर्टेंट है, यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल सर्क्यूलर मोशन, ओके, such system is called a conical pendulum, ओके, ठीक है, ये कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन है। एक बार मेरे साथ आप भी बोलिए, इफ द स्ट्रिंग इज रिवॉल्व इन सच ए वे दैट द स्ट्रिंग मूव्स along the surface of right circular cone of vertical axis and the point object performs a uniform horizontal circular motion, such a system is called as conical pendulum, okay, ये हो गई conical pendulum की definition, समझ में आई ना what is conical pendulum, ठीक है, तो आपको अभी देखना है, अब यहाँ से अपना स्टार्ट होता है डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का डेरिवेशन निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए डेरिवेशन किसके लिए, कौन सा डेरिवेशन देखना है, देखो इसमें तो टी यानी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इट इज़ डिनोटेड बाय एन, ठीक है, इसका डेरिवेशन निकालना है। तो अभी आप को दो डायग्राम्स दिखाई दे रही है, डायग्राम के ऊपर डायग्राम को हेडिंग दिया है मैंने इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नीचे की डायग्राम को दिया है इन एन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
ठीक है, तो पहले ये बेसिक देख लेंगे कि व्हाट इज़ इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो पहले ये देख लो, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होने चाहिए कि इनर्शियल मीन्स व्हाट। इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स व्हाट। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम मीन्स क्या है? तो इट इज़ दिस फ्रेम हियर द पार इन दिस फ्रेम द पार्टिकल इज एट रेस्ट पोजिशन। अब रेस्ट केस क्यों है? तो यहाँ पे जो पार्टिकल मूव होगा, इट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी रहेगी पार्टिकल की? कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, अब आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन मीन्स क्या रहता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसीलिए ये डायग्राम में आपको एक्सेलरेशन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, पर ये नीचे की डायग्राम में आपको एक्सेलरेशन एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्यों है ऐसा? बिकॉज व्हेन वी कंसिडर नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है? पार्टिकल ये कैसा रहेगा? इट इज़ इन अ एक्सेलरेटेड फॉर्म, दैट इज़ मूविंग रहेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड। ठीक है, एक्सेलरेटेड क्यों रहेगा? क्योंकि इट मूव्स विथ मूविंग विथ वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी रहेगी? वेलोसिटी इट इज़ चेंजिंग वेलोसिटी रहेगी, इट इज़ नोन एज वेरिएबल चेंजिंग, यानी वेरिएबल वेलोसिटी रहेगी। सो द एक्सेलरेशन उसका रहेगा, इसलिए बोल देंगे एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो मूविंग यहाँ पे एक्सेलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड बिकॉज दिस फ्रेम इज़ मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी से फ्रेम, सॉरी पार्टिकल मूव होता है, फ्रेम नहीं पार्टिकल मूव होता है चेंजिंग वेलोसिटी से, चेंजिंग वेलोसिटी यानी वेरिएबल वेलोसिटी से, दैट इज वी से दैट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट हो रहा है वहाँ पे, बॉडी कैसी है? मोशन में है। ठीक है, तो समझ में आया? तो इसलिए सेकेंड डायग्राम में आपको यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये नीचे वाले डायग्राम को अपने को कंसिडर करना है, तो इसलिए ये दो डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये समझ में आया ना? इनर्शियल मीन्स रेस्ट पोजिशन, बिकॉज हियर पार्टिकल मूव्स विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ठीक है, नॉन इनर्शियल मीन्स एक्सेलरेटेड, बिकॉज पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल दैट इज चेंजिंग वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, वहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको ये मालूम होना चाहिए हर एक इसका मीनिंग क्या है, इनर्शियल यानी क्या, नॉन इनर्शियल यानी क्या, इसलिए ये थोड़ा सा लिया है मैंने। अब एक्चुअल अपना ये डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे क्या है। तो ठीक है, तो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, तो नीचे वाले डायग्राम को कंसिडर करेंगे, ऊपर वाले तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए दोनों भी डायग्राम्स आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दिखाई दे रहा है आपको कि सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन ऑफ कोनिकल पेंडुलम दिखाई दे रहा है डायग्राम में। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ बॉब, कोनिकल पेंडुलम में जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बोलते हैं? बॉब, बी ओ बी, बॉब। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? दिस एट पॉइंट बी पोजिशन, बी पोजिशन डायग्राम में की आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बॉब कहाँ पे है? बॉब इज एट बी पोजिशन। ठीक है, बी पोजिशन पे बॉब है, और हियर एम इज द मास ऑफ द बॉब। एम क्या है? मास है, बॉब का मास है एम, और एल क्या है? एल यहाँ पे डायग्राम में निकालेंगे, एल इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एल क्या है? इट इज़ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओके, एल है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो दो प्रकार के फोर्सेस ये बी पोजीशन पे एक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो कौन से वो फोर्सेस है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फोर्सेस एक्टिंग,
कहाँ पे? ऑन बी यानी बॉब पे, मींस बी यानी बॉब है, ठीक है। बॉब पे कौन से फोर्सेस एक्टिंग हो रहे हैं वो देखेंगे। फर्स्ट फोर्स है, फर्स्ट फोर्स कौन सा है? तो इट्स ये जो है एम जी दिख रहा है, तो ये क्या है? इट्स वेट एम जी, ठीक है। फर्स्ट फोर्स क्या किसके वजह से है? इट्स वेट एम जी। कैसा दिख रहा है वो? नीचे का एरो दिख रहा है ना, यानी वी से दैट एक्टिंग एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ओके, देन ये हो गया फर्स्ट, ये फोर्स रहेगा। सेकंड फोर्स कौन सा रहेगा वो देखना है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, तो इसमें ये आपको टी ज़ीरो दिखाई दे रहा है। टी ज़ीरो इज नोन एज टेंशन, टेंशन इसको क्या बोलेंगे? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन टी ज़ीरो का किस में है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द, किसको टेंशन है? स्ट्रिंग को, क्योंकि स्ट्रिंग के एक एक साइड में क्या लगाया हुआ है? बॉब लगाया हुआ है। तो टेंशन किस में है? स्ट्रिंग में है, ठीक है। टेंशन टी ज़ीरो इन द स्ट्रिंग, और उसका वो कहाँ पे है? डायरेक्टेड, डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग, कहाँ पे है वो फोर्स? डायरेक्टेड अलोंग स्ट्रिंग, और उसकी डायरेक्शन कैसी है? टूवर्ड्स, डायग्राम की तरफ देखो, टूवर्ड्स कैसा है ये टेंशन? टूवर्ड्स ए है ना, एरो पॉइंट कहाँ कर रहा है? टूवर्ड्स ए, दैट इज टूवर्ड्स रिजिड सपोर्ट, सपोर्ट ए, टूवर्ड्स सपोर्ट ए, ये समझ में आया, ठीक है। तो अब ये बॉब ये क्या परफॉर्म कर रहा है? इट परफॉर्म्स द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बॉब क्या परफॉर्म कर रहा है? हॉरिजॉन्टल, बॉब परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, क्या परफॉर्म कर रहा है? हॉरिजॉन्टल, शॉर्टकट लिखती हूँ थोड़ा सा, सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो रिजल्टेंट फोर्स कैसा रहेगा? रिजल्टेंट फोर्स, ये दो फोर्सेस आपने देखे, सो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब ये कैसा रहेगा? इट इज हॉरिजॉन्टल, वो भी कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, एंड इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, दिख रहा है आपको। तो कैसा रहेगा? इट इज़ डायरेक्टेड, हॉरिजॉन्टल भी रहेगा एंड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स सेंटर सी ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर मोशन, ओके। ये यहाँ तक एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया क्या? फिर से एक बार मैं रिवाइज करती हूँ, ठीक है। बी क्या है? इट इज़ अ बॉब, पोजिशन ऑफ द बॉब, ठीक है। तो M इज़ द मास ऑफ द बॉब, बॉब का मास क्या है? M। L क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अब बॉब B पोजिशन, दैट इज़ बॉब पे कौन से फोर्सेस एक्टिंग है वो देखने हैं। दो टाइप्स के फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट उसका वेट mg, कैसा है वो वेट? दिख रहा है आपको डायग्राम में, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके। तो ये है फर्स्ट फोर्स। देन सेकंड फोर्स किसकी वजह से है? टेंशन टी ज़ीरो, टी ज़ीरो टेंशन किस में है? स्ट्रिंग में है, ठीक है। और कैसा है वो? टूवर्ड्स द सपोर्ट ए, इसके इसका एरो की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे टूवर्ड्स द सपोर्ट ए, ए की तरफ है, ठीक है, ओके। अब बॉब क्या परफॉर्म करेगा? बॉब परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, क्या परफॉर्म करेगा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सो रिजल्टेंट फोर्स बॉब पे कैसा रहेगा? इट इज़ हॉरिजॉन्टल भी रहेगा और इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, ये कैसा रहेगा? इट इज़ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉब कैसा रहेगा? इट इज़ हॉरिजॉन्टल रहेगा और इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, ओके।
डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब डायग्राम में आपको थीटा दिख रहा है। थीटा क्या है? तो थीटा है, इट इज़ द एंगल, ये स्ट्रिंग मेड कर रही है ना, एंगल कौन बना रही है, ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग किसको किसके साथ, ये वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एट एनी पोजिशन, और इसको क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। इसको क्या बोलेंगे, अब कोन कैसा था है अपना, उल्टा कोन निकालती हूँ, ये कोन है। ठीक है, तो अब सेमी क्यों बोला है, क्योंकि एक साइड वाला आधा ही ले रहे। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, इसको क्या बोलेंगे, ये थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, वर्टिकल को मेड कर रही है, वर्टिकल एक्सिस को। ठीक है, एट एनी पोजिशन एंड इट इज़, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी वर्टिकल। थीटा क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो टेंशन टी है, आपको यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, टेंशन टी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स है वो भी देखेंगे। तो यहाँ तक के आपको समझ में आया ना, तो मैं ये इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो टेंशन टी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, टी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, क्या है, टी ज़ीरो कॉस थीटा। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ टी ज़ीरो कॉस थीटा। कैसा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ठीक है, वो कैसा है, वर्टिकल कंपोनेंट है। क्या कर रहा है वो, इट बैलेंसेस, नीचे क्या है इसके लाइन पे, सेम लाइन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है, तो ये किसको बैलेंस कर रहा है, तो इट बैलेंसेस, उसका काम क्या है, तो इट बैलेंसेस वेट एम जी। ओके, सो हियर वी राइट टी ज़ीरो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन। समझ में आया। अब ये टी अगेन रिजॉल्व होगा सेकेंड कॉम्पोनेंट में, उसका नाम क्या है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको टी साइन थीटा। उसका नाम क्या है, टी साइन थीटा। ये कैसा कॉम्पोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है। ठीक है, और इसका काम क्या है, ये है, ये प्रोवाइड करता है सेंट्रिपेटल फोर्स को। ठीक है, ये इट गिव्स और प्रोवाइड्स सेंट्रिपेटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए किसकी ज़रूरत है, सेंट्रिपेटल फोर्स की। ये देखा है हमने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में देखा है। ठीक है, तो सेंट्रिपेटल फोर्स की आवश्यकता है। सेंट्रिपेटल फोर्स यानी क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिख रहा है आपको एम आर ओमेगा स्क्वायर। इट इज़ डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर, इट इज़ नोन एज सेंट्रिपेटल फोर्स। अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन बट इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टी साइन थीटा, टी ज़ीरो साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, दो इक्वेशंस आपको मिल गए, कैसे आए समझ में आया ना। दिस टेंशन टी ज़ीरो कैन बी रिजॉल्व इन टू टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज टी ज़ीरो कॉस थीटा, सेकेंड वन इज टी ज़ीरो साइन थीटा। ठीक है, टी ज़ीरो कॉस थीटा कैसा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। टी ज़ीरो साइन थीटा कैसा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। टी ज़ीरो कॉस थीटा क्या बैलेंस, क्या कर रहा है, तो इट बैलेंसेस वेट एम जी। ठीक है, और टी ज़ीरो साइन थीटा क्या कर रहा है, इट गिव्स द सेंट्रिपेटल फोर्स। ओके, सो टी ज़ीरो कॉस थीटा क्या है, इट इज़ इक्वल टू एम जी, और टी ज़ीरो साइन थीटा क्या है, इट प्रोवाइड सेंट्रिपेटल फोर्स ना, तो सो इट इज़ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत बहुत क्लियर होने चाहिए और ये आपको समझ में ही आना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर जो न्यूमेरिकल है, तो ये जो स्टेप्स है वो न्यूमेरिकल्स में भी आपको परफॉर्म करनी है, ये न्यूमेरिकल्स में भी लिखनी है।
तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये रफली आपके खुद के नोट्स करके आप ये लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ऑलवेज़ आप निकाल सकते हो, आप देख रहे होंगे तो ठीक है। तो आगे जाकर इसको अभी सॉल्व करते हैं एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब, ये निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख लेती हूँ, यानी आपका लर्न हो जाएगा इसलिए मैं बार बार लिखती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, टी ज़ीरो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी था, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, टी ज़ीरो साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो क्या करेंगे अभी, टू डिवाइडेड बाय वन, ठीक है। तो क्या आएगा आपको, क्या मिलेगा, टी ज़ीरो साइन थीटा अपॉन टी ज़ीरो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। तो टी ज़ीरो कैंसल, एम एम कैंसल, वी गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन जी, ओके। यहाँ तक आपको मिल गया है। अब क्या करेंगे, इसको टैन थीटा नहीं करना है, अब पहले तो आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी एक डायग्राम निकालती हूँ। अगर ये रिजिड सपोर्ट है आपकी, ये आपका ये स्ट्रिंग है, ये परफॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये है आपका आर, ओके। तो ये जो साइड है आपकी, ये एल इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये क्या है आपका थीटा। तो ये डायग्राम पर से आपको, और ये है आर, तो ये डायग्राम से ही आपको निकालना है आर की वैल्यू। तो इसके लिए कंसिडर करेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या है। साइन थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है थीटा के अपोजिट साइड, आर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है एल। सो वी राइट आर की वैल्यू क्या आएगी, एल साइन थीटा, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू एल साइन थीटा जो है, ये सपोज इक्वेशन नंबर थ्री में आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, तो वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। पहले ये साइड लिख लेती हूँ आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको ओमेगा पहले फाइंड करना पड़ेगा और उसके ऊपर से टी को फाइंड करना है टाइम पीरियड, ठीक है। तो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब आर की वैल्यू जो निकाली है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल साइन थीटा, आर क्या है एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जी ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा, एल साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा कैंसल, सो वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन, क्या मिलता है एल कॉस थीटा, ये वैल्यू मिलती है ओमेगा की, ठीक है। समझ में आया ओमेगा कैसा निकालना है तो, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या निकालिए, एल साइन थीटा, ठीक है। तो अब अगर टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ बॉब है तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आपको रिलेशन मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी। सो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा, ओके। तो राइट करो ओमेगा की वैल्यू, सब्सटीट्यूट करना है ये इक्वेशन में, सो वी गेट टी इज इक्वल टू टू पाई, ओमेगा नीचे है इसलिए इक्वेशन कैसा आएगा, एल कॉस थीटा अपॉन जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ
टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ बॉब क्या आया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। और आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इससे उल्टा क्या इक्वेशन, किसका इक्वेशन आएगा, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन आएगा। तो वो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ तक समझ में आया आपको क्या है, तो एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे फिर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो क्या किया था, जो वर्टिकल कंपोनेंट टी जीरो कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी, सो वी राइट टी जीरो कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। टी जीरो साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी सेंट्रिपिटल फोर्स। अब क्या किया है, ये दो इक्वेशंस है तो टू को ए वन से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद में आपको क्या मिलता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वेशन थ्री मिलता है, ठीक है। फिर से ये डायग्राम को कंसिडर करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू निकाल के क्या फाइंड किया है, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ओके। आर को सब्सटीट्यूट करने के बाद में ओमेगा की वैल्यू निकाली है, ओमेगा की वैल्यू निकालने के बाद में कंसिडर किया है ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू क्या है, आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। उसके ऊपर से आपको क्या मिला इक्वेशन, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, दिस इज नोन एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब ऑफ सेकंड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। टी क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे मैं इरेज करती हूँ थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लेना, जैसे मेरा हो जाता है स्क्रीनशॉट ले लेना, या मेरे साथ आप लिखने के, स्क्रीनशॉट से अच्छा आप लिखना लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, इट इज़ ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, टाइम पीरियड t की वैल्यू तो निकाली है, तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा, ओके। दिस इक्वेशन गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम, क्या है इक्वेशन, n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g अपॉन एल कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आया। तो ये दो डेरिवेशंस आपके हो गए हैं, तो ये है मेन डेरिवेशन, और इसके ऊपर है आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन फटाफट बोलेंगे फिर से, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या है, एन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आया। तो इसके ऊपर से क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो वो याद करना है, देखो। तो ये इक्वेशन में अब एल कॉस थीटा यानी क्या है, आर है ना, देखो यहाँ पे आपने निकाली है एल कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो आर यानी ये है, आर है आपका एल कॉस थीटा, मीन्स क्या है, आर है। तो यहाँ पे आर और आर जो है ये है एल कॉस थीटा, तो इसमें है एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और जी क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है। सो ये फ्रीक्वेंसी बोलो या टाइम पीरियड बोलो, ये किस पे डिपेंड है, सिर्फ थीटा के ऊपर डिपेंड है। थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कौन से टर्म है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज़ कांस्टेंट, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और विच इज़ कांस्टेंट। सो हियर देर इज़ अ थीटा, सो वी से दैट टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी दे आर बोथ डिपेंड अपॉन द थीटा, ठीक है। तो यही इम्पोर्टेंट नोट्स आपको निकालना है ये इक्वेशन से। तो क्या है अभी वो ये नोट्स, तो वो देखेंगे, पहले मैं इसको इरेज करती हूँ। देखो फर्स्ट नोट क्या है, अभी आपने देखा ये फ्रीक्वेंसी का
इक्वेशन, पहले मैं टाइम पीरियड का इक्वेशन फिर से लिखती हूँ, यानी आपका लर्न हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, और सेम उसके उल्टा क्योंकि रेसिप्रोकल रहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, इट इज़ इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, इट इज़ इक्वल टू अंडर 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो एल एंड जी कैसे है दोनों भी, दे आर कॉन्स्टेंट, सो ये टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड है, रहते हैं थीटा के ऊपर। ठीक है, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है। अब अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो जो स्ट्रिंग रहती है, अभी आपने देखा है डायग्राम में, ये जो स्ट्रिंग है ये कभी भी ऐसा रिवॉल्यूशन ये पार्टिकल का हो रहा है तो दिस स्ट्रिंग इट नेवर बिकम्स द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है इट नेवर बिकम्स, नेवर बिकम्स, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कभी भी होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, तो उसके दो रीजंस है। अगर ये होती, ये हॉरिजॉन्टल अगर सपोज हो भी गई तो क्या होगा, तो फर्स्ट आप देखो क्या होगा, तो अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है तो जो टेंशन की वजह से फोर्स है, टेंशन कहाँ पे, ये स्ट्रिंग में टेंशन है, तो टेंशन की वजह से जो फोर्स है वो भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा था, इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी जीरो कॉस थीटा था, अभी अभी देखा था, तो इसको किसको बैलेंस कर रहा था, एम जी को बैलेंस कर रहा था। तो अभी वहाँ पे कोई नहीं रहेगा क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई तो ये टी कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। सो देर देर विल बी नथिंग टू बैलेंस द एम जी। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी तो क्या क्या होगा वो देख रहे हैं। तो इफ स्ट्रिंग तो कभी हॉरिजॉन्टल होती ही नहीं, अगर होगी तो क्या होगा, तो इफ द स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल देन फोर्स ड्यू टू द टेंशन टी, टेंशन टी ज़ीरो, ये भी कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी क्या था, टी ज़ीरो कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो हो जाने के वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे एम जी को बैलेंस करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, नॉट अवेलेबल देयर। ठीक है, एम जी बैलेंस ही नहीं होगा, ये एक फर्स्ट रीज़न हो गया। अब अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई तो ये जो थीटा है, सेकेंड रीज़न क्या है, अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई तो ये जो थीटा है इट बिकम्स 90 डिग्री। ओके, अगर ये 90 डिग्री हो जाता है तो क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी में अगर सपोज एन, एन के इक्वेशन में ये थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आपने रखी तो एन की वैल्यू क्या होगी, यानी ये नीचे की टर्म पूरी ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो क्योंकि कॉस 90 ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इन्फिनिटी, एन बिकम्स इन्फिनिटी। ठीक है, एन इन्फिनिटी है और टाइम पीरियड में अगर आपने 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया तो टाइम पीरियड आपको क्या मिलेगा, कॉस टी इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू मिलेगी ऊपर ज़ीरो आएगा, सो टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसलिए ये सब इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए कहा गया है कि दिस स्ट्रिंग नेवर बी कम हॉरिजॉन्टल, स्ट्रिंग कभी भी हॉरिजॉन्टल होगी नहीं, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन द स्ट्रिंग कैन नेवर बिकम हॉरिजॉन्टल, ये याद रखना है, रिवॉल्यूशन के टाइम स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, क्योंकि वो अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो टेंशन टी ज़ीरो भी हॉरिजॉन्टल होगा, टेंशन टी ज़ीरो हॉरिजॉन्टल रहेगा तो जो वर्टिकल कंपोनेंट था ये टी ज़ीरो कॉस थीटा, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो उसको एम जी को बैलेंस करने के लिए वहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं रहेगा।
ठीक है। और अगर ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और फिर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी मिलेगी और टाइम पीरियड भी क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, सो हियर वी से दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और अपना थर्ड पॉइंट क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वेयर। अब आपके पास में है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करो, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये भी कैसी रहेगी, इट इज़ ऑल्सो बिकम्स द इन्फाइनेट। ये भी कैसा है, कैसी है, इट इज़ इन्फाइनेट। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, तो एक्सप्रेशन अगर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो आप अभी आपने जो टी और एन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, उतना ही फाइंड आउट करना है, ये कुछ आगे का लिखना नहीं है। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए ये याद रखिएगा, किसी न्यूमेरिकल में या एमसीक्यू में आपको काम आएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में यही, इसके ही बेस दो एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो फर्स्ट एग्जाम्पल किसका है, आप कोई भी इसमें जाते हो, मेले में जाते हो, तो वहाँ पे आपको मेरी गो राउंड दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों हॉर्स है, यहाँ पे राइडर यानी बच्चे बैठते हैं, और क्या होता है, ये कैसा मूव होता है, इस डायरेक्शन से। ठीक है, तो आपको ये आपने एग्जीबिशन में और सॉरी मेले में आपने ये देखा है सब। ठीक है, तो पहले ये पढ़ेंगे क्या है, देखो एग्जाम्पल पढ़ती हूँ। अ मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल वर्टिकल पिलर। ठीक है, सेंट्रल वर्टिकल पिलर आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज सेंट्रल वर्टिकल पिलर। एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड्स, दो हॉरिजॉन्टल रॉड्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, विच कैन रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये हॉरिजॉन्टल रॉड मूव हो रोटेट हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड, ये दिख रहे हैं कौन से है वर्टिकल रॉड, ये वर्टिकल रॉड है। देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट, आप जूम करके देखो ये दोनों क्या है, हॉर्स है, वहाँ पे बच्चे बैठते हैं। एज द मेरी गो राउंड इज सेट इन टू रोटेशन दीज वर्टिकल रॉड्स मूव अवे फ्रॉम द एक्सल, एक्सल से अवे जाते हैं, जैसे जैसे ये रोटेट होता है ये वर्टिकल रॉड दूर रहते हैं, हो जाते हैं फ्रॉम द एक्सल बाय मेकिंग सम एंगल विथ वर्टिकल, कुछ एंगल से ये थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, द फिगर अबव शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेरी गो राउंड इन विच इनिशियली वर्टिकल रॉड्स आर इंक्लाइंड विथ वर्टिकल एट 37 डिग्री। ठीक है, पहले वर्टिकल रॉड का जो एंगल है वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मेरी गो राउंड, क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मेरी गो राउंड। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, वी हैव टू फाइंड फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ये फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मेरी गो राउंड ये फाइंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या क्या दिया है, ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए ये एच लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू 2.1 मीटर लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड। देन लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड दिखाई दे रहा है, सपोज वर्टिकल है इसलिए वी लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, तो और थीटा की वैल्यू दी है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। ओके, ये दिया है, तो अब रेडियस निकालना है आपको, पहले क्या करना है, रेडियस निकालना है, जो रेडियस, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन निकालना है ना, तो रेडियस निकालना पड़ेगा। आर की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम डायग्राम, रेडियस कितनी है, तो देखो मैं थोड़ा सा ये पार्ट निकालती हूँ, इसके लिए ये डायग्राम को मैं ये थोड़ा इरेज कर लेती हूँ, आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें अभी ये इसका ये जो पार्ट है मैं निकालती हूँ, ये हॉरिजॉन्टल बार और
ये है आपकी रेडियस आर, ठीक है, ये है थीटा, ओके, ये वैल्यू है आपकी वी और ये वैल्यू है आपकी एच। अगर ये एच है तो ये भी क्या है, एच है, तो आर कैसा बना हुआ है, आर इज इक्वल टू, सपोज दिस इज एक्स, आर इज इक्वल टू एच प्लस एक्स से बनाया हुआ है। सो एक्स की वैल्यू निकालेंगे बिकॉज यहाँ पे थीटा दी है आपको, थीटा की वैल्यू दी है, तो कैसा निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो कंसिडर साइन थीटा, साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट साइड, दैट इज एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज वी। सो वी गेट एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू वी साइन थीटा, वी की वैल्यू दी है 1.5 साइन थीटा, एक्स की वैल्यू आपको मिल गई है 1.5 साइन थीटा। सो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू एच, एच यानी क्या है, एच यानी है दी है वैल्यू 2.1 प्लस एक्स क्या निकाली है 1.5 साइन थीटा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर, ओके, आर की वैल्यू मिल गई है क्या है, आर इज इक्वल टू 2.1 प्लस 1.5 साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करेंगे, सो आर इज इक्वल टू 2.1 प्लस 1.5 और साइन ऑफ 37 डिग्री, है ना, थीटा की वैल्यू है 37 डिग्री। सो आर इज इक्वल टू गिवन दी है 37 डिग्री की, साइन 37 की वैल्यू गिवन है आपको 2.1 प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाय कितनी है 0.6। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा आर की वैल्यू है 3, बिकॉज ये कितना हो गया 2.1 प्लस 0.9, इट इज़ इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, आर की वैल्यू आपको मिल गई है। अब टेंशन टी की वैल्यू, टेंशन टी होगा किसमें, अलोंग द स्ट्रिंग, अभी आपने यहाँ पे मैं करती हूँ, अभी थेरी आपने देखी है, तो इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इज टी साइन थीटा, है ना, सेकंड कंपोनेंट क्या है टी साइन थीटा, तो इट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपको अभी हुआ है। टी कॉस थीटा को कौन, किसको बैलेंस करता है, एम जी को बैलेंस करता है, और टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वेयर। सो हियर वी राइट टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर, ओके। तो एम आर ओमेगा स्क्वेयर को थोड़ा सा रीराइट करते हैं, क्योंकि ओमेगा आपको मालूम है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn रहती है, तो क्या आएगा ये एम आर, ओमेगा की वैल्यू है 2πn, तो 4πn2, ठीक है, 4πn2, ओके। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, अगेन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 वी गेट टी साइन थीटा, मेरे साथ आप सॉल्व करिएगा, यानी आपको अच्छे से आपके बुक के ऊपर समझ में आएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 4πn2 डिवाइडेड बाय m इंटू जी, एम एम कैंसिल हो गया, वी गेट अब n की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली टी टी कैंसल, ये 10 थीटा हो गया, तो वी गेट n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आप ये करके देखो, 10 थीटा अपॉन 4r, ऐसा आपको मिलेगा, 10 थीटा इज इक्वल टू 4r। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है, तो वैल्यू क्या मिला है, ये फिर से मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो टेन थीटा, सॉरी एन इज इक्वल टू क्या मिला था, अंडर रूट ऑफ 10 थीटा अपॉन 4r। अब थीटा की वैल्यू है 37, सो वी गेट हियर अंडर रूट ऑफ 10 ऑफ 37 डिवाइडेड बाय 4, और r की वैल्यू कितनी निकाली थी, r की वैल्यू देखो, r की वैल्यू निकाली थी, इट इज़ 3 मीटर,
ठीक है, 3 मीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, आर की वैल्यू 3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3, टेन 37 की वैल्यू रहती है अंडर रूट ऑफ 0.7535 डिवाइडेड बाय 12, ओके। तो ये इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.06279, इट इज़ इक्वल टू, अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वी गेट 0.250, ठीक है, यानी रिवॉल्यूशन पर सेकंड, दिस इज़ द फाइनल आंसर। 0.25 को आप 1/4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी लिख सकते हो, दिस इज़ द अवर रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि अब ये जी जी को जो टेन थीटा आया था, ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपको आपने देखा होगा कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है मिली थी आपको, 4π² r n² / g मिला था। तो ये g की वैल्यू गिवन है एग्जांपल में पाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन, ठीक है, g इज इक्वल टू अगर यहाँ पे पाई स्क्वायर अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट दिस। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है और दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो आप मेरे साथ बुक पे ये सब सॉल्व करो, यानी आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट मैं रीड करती हूँ इसको, क्या है एग्जांपल। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ ए फनेल इज 37 डिग्री, ठीक है, फनेल को कंसिडर करना है और इसका सेमी वर्टिकल एंगल कंसिडर करना है, सेमी तो ये एंगल कंसिडर करना है। इट इज़ गिवन दैट थीटा इज 37 डिग्री, ठीक है। देर इज़ अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनेल, एक छोटा सा बॉल अंदर डाला है और फनेल को रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देर इज़ अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड फनेल, ऑन रोटेटिंग द फनेल द मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनेल इज 2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनेल, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन, हाउ मच इज इट, इज इट लोअर और अपर लिमिट, गिव अ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। यूज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो क्या क्या दिया है सेमी, देखो फिर से एक 1/1 लाइन पढ़ती हूँ, यानी आपको न्यूमेरिकल का मीनिंग समझ में आना चाहिए पहले, तो फिर सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप समझना, समझ में आना चाहिए ये न्यूमेरिकल आपको। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ फनेल इज 37 डिग्री, ठीक है, ये सेमी ये फनेल है उसका एंगल क्या है 37 डिग्री। अब क्या किया है, देर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनेल, एक छोटा सा बॉल अंदर रखा है और ऑन रोटेटिंग द फनेल द मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनेल इज 2 मीटर पर सेकंड। अब उसको रिवॉल्व किया है ये फनेल को, तो बॉल भी कैसा रिवॉल्व होगा, ये ऐसा रिवॉल्व होगा, ठीक है, ओके। तो ये जो कितने मैक्सिमम स्पीड से रिवॉल्व होगा, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे क्या दिया है, कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ फनेल, क्या कैलकुलेट करना है, r इज इक्वल टू इसको कैलकुलेट करना है, r को कैलकुलेट करना है। फिर क्या है, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो लिमिट है क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन पे, ये निकालना है। अगर होगी हाउ मच इज़ इट, तो कितनी है, और इज़ इट लोअर और अपर लिमिट, और लोअर है कि अपर है, ये निकालना है, और गिव अ लॉजिकल रीजनिंग, उसका रीज़न भी देना है क्या है, तो ठीक है। तो ये आप करके देखो, एक छोटा सा कोन बनाओ पेपर का और उसमें एक आधा कोई ऑब्जेक्ट डालकर उसको गोल गोल घुमा के देखो, ठीक है। तो अगेन आपको दिखाई देगा कि देर इज़ अ रिएक्शन, एंड यहाँ पे अगर बॉल इनर साइड में अगर वहाँ पे है बॉल, तो इट्स वेट इज़ एम जी, अगेन ये मैं ऐसा निकालती हूँ, ठीक है, एम जी, इट इज़ एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, देर इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये बॉल गोल गोल रिवॉल्व हो रहा है अंदर, तो दिस इज़ डिनोटेड बाय एन।
तो अब ये कोण उल्टा है, कोनिकल पेंडुलम में कैसा था, उल्टा था, तो जो वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या रहेगा, इट इज़ एन साइन थीटा, ठीक है, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या रहेगा, अभी उल्टा कोण है, कोण है ये, अब फनेल किया है उसको, बोला है तो ये सी इज़ द सेंटर, तो ये कौन सा रहेगा, ये जो रहेगा इट इज़ टी साइन थीटा, ओके, टी साइन थीटा रहेगा, सॉरी टी कॉस थीटा रहेगा, टी गलती से टी कॉस थीटा बोला मैंने, टी साइन सॉरी टी कॉस थीटा रहेगा, टी साइन थीटा बोला था, टी कॉस थीटा यहाँ पे उल्टा रहेगा, टी कॉस थीटा, ओके, तो ये एंगल जो है ये है थीटा, ठीक है, तो समझ में आया, तो अभी एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा, इसीलिए मैंने बोला था एक्सप्रेशन के टाइम बराबर याद रखिए, यानी ये जिसने अभी एक्सप्रेशन अच्छे से देखा होगा कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, तो इसको ये स्टेप्स बहुत ईजी लगेंगी, ठीक है, और समझ में भी आएगी, ठीक है, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड एन कॉस थीटा प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स फॉर रिवोल्यूशन, इट इज़ एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एम आर ओमेगा स्क्वेयर इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे वी की वैल्यू दी है, ठीक, तो सेंट्रिपेटल फोर्स की दोनों भी वैल्यू है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर और एम आर ओमेगा स्क्वेयर, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है, तो फिर एन साइन डिवाइड करेंगे दोनों को, दो इक्वेशन को, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इट इज़ इक्वल टू एम जी इंटू आर अपॉन एम वी स्क्वेयर, एम एम कैंसल हो जाएगा, सो वी गेट एन एन कैंसल, टेन थीटा इट इज़ इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन वी स्क्वेयर, सो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर टेन थीटा अपॉन जी, वी स्क्वेयर टेन थीटा अपॉन जी आएगा आर की वैल्यू, ठीक है, तो उसके बाद में इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, वी की वैल्यू टू दी है तो इट बिकम्स फोर, क्योंकि वी स्क्वेयर है, फोर टैन थीटा की वैल्यू है 37 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू गिवन है 10, ओके, सो वी गेट फोर इंटू टेन 37 दिया है 0.6 अपॉन 10, तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू 0.3 मीटर, ओके, ये हो गया आर की वैल्यू 0.3 मीटर। अब ये देखो, अब सेकेंड पार्ट आपको निकालना है कि इज़ देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, कुछ लिमिट है क्या फ्रीक्वेंसी की, यस, अब जब बॉल ऊपर की साइड में है तो वो कैसा घूम रहा है, ये उसकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड आपको बोला है कि क्या है 2 मीटर पर सेकंड, पर अगर स्पीड इससे भी थोड़ा कम कर दिया तो बॉल क्या होगा, नीचे नीचे जाएगा, ठीक है, तो और जैसे नीचे जाएगा तो जो डिस्टेंस है वो कम, यानी रेडियस कम कम होते जाएगी, तो वो बॉल क्या होगा और ज़ोर ज़ोर से रिवॉल्व होगा, ज़ोर ज़ोर से यानी इट टेक्स मोर रिवॉल्यूशंस देन इन दिस पार्ट, ठीक है, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिवॉल्व होगा, ठीक है, तो अगर वी कम होता है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और जोर जोर से नीचे जब आएगा तो कम डिस्टेंस पे ज़्यादा घूमेगा ना, कम डिस्टेंस पे ज़्यादा रिवॉल्यूशन लेगा, ठीक है, तो अभी अभी क्या बोला है आपने एग्जांपल में, कैलकुलेट इनर रेडियस ही हो गया, इज़ देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो लिमिट है क्या, तो अगर लोअर लिमिट अगर आपने कंसिडर की तो वी टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगी लोअर लिमिट पे, तो आर टेंड्स टू भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, आर टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा, और इन दिस केस जैसे वी कम कम होते जाएगा, आर कम कम होते जाएगा, और देखो मैं आपको फिर से अच्छे से समझाती हूँ कि अगर सपोज हियर वी कंसिडर दिस कोन एंड इफ द इन दिस पोजिशन दिस इज आर वैल्यू ऑफ आर और इन दिस पोजिशन वी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है,
तो अगर ये रिवॉल्व होता है 2 मीटर पर सेकंड और वी को कम कर दिया, धीरे धीरे कम करके 0 कर दिया, तो क्या होगा? ये बॉल आप करके देखना, ये घर आपके, तो और रिवॉल्व ज़्यादा होगा। अब डिस्टेंस कम है, दैट इज़ आर मिनिमम है, तो रिवॉल्यूशन मैक्सिमम हो जाएगी। दैट इज़ वी से दैट व्हेन वी टेंड्स टू ज़ीरो, आर ऑल्सो टेंड्स टू ज़ीरो, बट जो फ्रिक्वेंसी है, दैट इज़ यहाँ पे लिखती हूँ, सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ फ्रिक्वेंसी एन क्या होगी, इट इज़ इंक्रीज होगी, फ्रिक्वेंसी एन इंक्रीजेस। ठीक है, तो अपर लिमिट, ये जो अपर लिमिट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो अपर लिमिट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन दिस केस ऑफ फ्रिक्वेंसी। दस द इन दिस केस ओनली कौन सी पॉसिबल है, फिर लोअर लिमिट ही पॉसिबल है, लोअर लिमिट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज पॉसिबल, रोटेशन इज पॉसिबल। ओके, और वो कब पॉसिबल रहेगी? इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, लोअर लिमिट कहाँ रहेगी? यहाँ पे है ना, कि जब आर मैक्सिमम है, यहाँ पे आर, ये नीचे साइड में आर कैसा है, यहाँ पे आर मिनिमम है, यहाँ पे एन कैसा है, एन इज इक्वल टू, यानी फ्रिक्वेंसी कैसी है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, आर इज इक्वल टू मैक्सिमम रहेगा, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये स्पीड पे यही पॉसिबल है, आर इज इक्वल टू मैक्सिमम रहेगा, तो एन इज इक्वल टू क्या रहेगी, इट इज़ मिनिमम रहेगी। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल फॉर कब रहेगा, जब आर की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, आर इज इक्वल टू आर मैक्स रहेगा। ठीक है, सो आर अगर आर मैक्स है तो फ्रिक्वेंसी क्या है, मिनिमम है, सो एन को क्या बोलेंगे, आर मैक्सिमम है तो एन मिनिमम हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू वी मैक्स अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर मैक्स। ओके, ये समझ में आया? तो इट इज़ ये इक्वेशन कैसे आया, आपको समझ में आया ना, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 पाई आर इट इज़ द डिस्टेंस, एंड हियर वी राइट वी इज इक्वल टू, देखो कैसे आया, तो वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, सो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, टी इज इक्वल टू ये आएगा एक्स अपॉन वी। अब टी फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टी रहता है, एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, सो हियर वी राइट इट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, सो हियर वी टेक वी अपॉन 2 पाई आर मैक्स, ये याद रखो ऐसे आया है वो। ओके, तो इट इज़ इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, अभी वी मैक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 पाई आर मैक्स, आर मैक्स कितना है, इट इज़ आर की वैल्यू निकाली थी 0.3, 2 कैंसल, सो वी गेट 1 अपॉन 0.3 पाई। ठीक है, इट इज़ अब 1 अपॉन 0.3 पाई, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 0.3 × 3.14। ठीक है, तो ये इसका इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन 0.942, 0.942 है, यानी नियरली इक्वल टू 1 ही है, इट इज़ इक्वल टू नियरली इक्वल टू 1 अपॉन 1, इट इज़ इक्वल टू 1, ये क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से आज आपने देखा कि अगर डेरिवेशन अच्छे से हो गया तो आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में कोई
दिक्कत नहीं जाएगी। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, ये दोनों भी जो एग्जांपल्स है दे आर डिपेंड अपॉन द डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कोनिकल पेंडुलम का पूरा टॉपिक एंड हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले अगले मेरे वीडियो में। तब तक के लिए इसकी आप प्रैक्टिस करो, इसको अच्छे से पढ़ो, दो दो बार लिख के देखो। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।